आज आपसे इस बारे में जिस सवाल के बारे में बात करूंगी वो है कि ऐसी कौन सी पांच चीजें हैं जो कि पीरियड्स के दौरान आपको अवॉइड करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ेशान है और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि विच थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ड्यूरिंग पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान आपने कौन सी चीज़ें नहीं करनी। पीरियड्स आपको पता है कि एक फिजियोलॉजिकल चेंज है जो कि मंथली तमाम औरतें मेंस्ट्रुएट करती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके दौरान ऑलरेडी पहले एक से दो दिन बच्चियाँ जो हैं वो नौजिया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड जिसमें पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं या बहुत ज़्यादा चीजियस फूड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये फूड्स जो हैं ये डाइजेस्ट करने थोड़े मुश्किल होते हैं, इनसे क्रैम्पिंग ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये ऑयली होते हैं तो पीरियड्स के दिनों में वैसे ही बच्चियों को एक्नी का प्रॉब्लम हो रहा होता है, ये उसको बढ़ाएंगी और ये आपके बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ भी इंटरफेयर करती हैं। डाइजेस्ट करना इनको मुश्किल होता है और कॉन्स्टिपेशन भी इनसे हो सकती है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनको अवॉइड करें और फाइबर और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। दूसरी चीज आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोसेस्ड और केन्ड फूड्स हैं इनमें, क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में सॉल्ट होता है और सॉल्ट आपकी बॉडी में पानी को इकट्ठा करता है, वाटर रिटेंशन करता है, तो आप जो केन्ड फूड्स हैं वो भी अवॉइड करें। तीसरी चीज़ है विग्रस एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप रेगुलर जिम ट्रेनर हैं या आप कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एटलीस्ट पीरियड्स के पहले दो दिनों में आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में एक टिश्यू ब्रेकडाउन का प्रोसेस चल रहा होता है, चाहे वो नेचुरल है लेकिन उससे आपको थकावट ज़्यादा और क्रैम्पिंग ज़्यादा महसूस होगी। चौथी चीज़ ये कि कुछ औरतें जैसे कि टैम्पोन्स का पहले था कि वो यूज़ करती थी पीरियड्स के दिनों में, तो टैम्पोन आपने अवॉइड करने हैं, उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, स्पेशली रात को, क्योंकि टैम्पोन के इस्तेमाल से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो के इवन पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, ठीक है, वो इन्फेक्शन पूरे ब्लड में फैल जाता है और पेशेंट के शॉक में जाने का डर होता है। पांचवी चीज़ जो कि रिलीजियसली भी है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपने रिलेशनशिप को अवॉइड करना होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत आप कोशिश, आमतौर पे बुज़ुर्ग भी ये कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो उसका वजह ये होती है कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है ओवरऑल बॉडी में और वो क्रैम्पिंग बढ़ा देता है। इस टॉपिक के मुतल्लिक अगर आपको मज़ीद मालूम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम ऐप के थ्रू क्लिनिक, इन क्लिनिक और ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशंस की ऑप्शन ले सकते हैं।